أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اما بعد فقال الله تعالى في قرانه المجيد والفرقان الحميد واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت اللہ تعالی قران کی سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 سورہ تکویر قران کا 81واں سورہ ہے چیپٹر 81 ورس نمبر 8 اینڈ 9 واذا الموءوده سئلت कि जब जिंदा दरगोर की गई से सवाल किया जाएगा बेअयदम बिन कुतलत कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। एक रिवायत इमाम शिशम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के हवाले से तो ये है कि ये आयत उन शियाने अहले बैत पर दलालत करती है कि जो हमारी मोहब्बत के जुर्म में कत्ल किए गए और क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया, तो वो बतलाएंगे हमें हुब्बे अली हुब्बे अहले बैत के जुर्म में कत्ल किया गया। और एक और मिसदाक इस आयत का ये है कि जिंदा दरगोर की गई लड़की से सवाल होगा कि तुम्हें किस जुर्म में जिंदा दरगोर किया गया या कत्ल किया गया। ये आयत दौरे जाहिलियत के मंज़र को आपके सामने पेश करती है कि जब लड़की का पैदा होना लड़की का होना बाइस नंगो या आर था, और ये तक हुआ करता था कि जब लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती थी तो बाप के चेहरे पे स्याही गोया आ जाती थी, जिसका ज़िक्र कुरान में हमें मिलता है। ये भी मिलता है कि लड़की की या लड़के की जब पैदाइश करीब आती तो माँ को एक गढ़े के पास ले जाया जाता, अगर लड़का होता तो उसको घर ले आते, लड़की होती तो उसी गढ़े में दफना के घर आ जाते। तो अरब के माशरे में लड़की को क्यों जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और क्यों बाइस नंगो आर समझा करते थे, उसकी जो वजूहात पेश की गई चीदा चीदा, नंबर एक कि औरत माश में हमारा साथ नहीं दे सकती। माश यानी ज़रिए आमदनी में ज़रात ले लीजिए या बकरियों का चराना फार्मिंग ले लीजिए, हत्ता के एक ज़रिए माश डाका जनी भी हुआ करता था, जहाँ पे एग्रीकल्चर या फार्मिंग मुमकिन ना होती तो वहाँ के लोग डाका डालने से गुरेज ना करते। और ये अमूमन नजद के लोग होते हैं जहाँ पे सहरा आम था, ज़राअत मुमकिन नहीं थी, चुनाचा मवेशी भी नहीं होते थे, तो ले दे के डाका जनी या चोरी एक ज़रिया माश रह जाता था। और उसमें भी जाहिर सी बात है वो अपने ही लोगों की चोरी तो कम किया करते थे क्योंकि वो फिर लोकेट हो जाते थे, मुसाफिरों की चोरी या डाका जनी उनका शुगल था। और जो सीज़न हुआ करता था वो हज का सीज़न हुआ करता था, पीक पे डाका जनी हुआ करती थी कि जब दुनिया के कोने कोने से लोग हज के लिए या ज़ियारत के लिए, उस ज़माने में तो ज़ियारत होती थी, अपने तौर पर हज होता था तो मुसाफिरों को लूटा जाता था। और ये कई केसेस तारीख में रकम हैं कि कई लोग, कई काफ़िले वाले बनी हाशिम अब्दुलमुत्तलिब जनाब अबू तालिब और दीगर अफराद के पास आते थे और शिकायत किया करते थे कि अभी हमें फ़लाँ ने लूट लिया, हमें फ़लाँ से अपना माल दिलवा दें। तो वो ये कहा करते थे कि औरत जो है वो डाका भी नहीं डाल सकती और माश में हमारी जो है वो मदद भी नहीं कर सकती, और अगर जंग हो जाए
और दुश्मन इन्हें ले जाए तो वो हमारी नामूस पे बट्टा लगने के मुतरादिफ होता था। तो ये वजूहातें जिसकी वजह से औरत से जो है वो नफ़रत किया करते थे। और जब कहा जाता था कि भाई आप औरत से नफ़रत करते हैं तो औरत से शादी क्यों करते हैं, तो वो कहा करते थे हमें लड़के चाहिए इसलिए हम शादी करते हैं, यानी अपने ही जैसे मर्द चाहिए चनाचा हम मजबूर हैं वरना हमें लड़की की कोई ज़रूरत नहीं। तो उस ज़माने में यानी दौरे जाहिलियत में औरत एक शय थी, इसलिए इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि इस्लाम ने औरत को शैयत से निकाल कर शख्सियत में तब्दील किया। अब जब बात और मसला दौरे जाहिलियत से बाहर निकला तो लोग समझे कि जैसे जैसे इंसान तालीम याफ्ता होता चला जाएगा वैसे वैसे ये मसाइल कम होंगे। अब हम 2019 की दिहाई में बैठे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में जा बजा वही मसाइल कुछ मुख्तलिफ अंदाज से हमारे सामने मौजूद हैं। आज भी औरत हुकूक़ नस्वा का नारा लगाती हुई नज़र आती है, चाहे वो मशरक़ हो, चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो, चाहे वो गैर मुस्लिम मुल्क हो। तो हम ये समझते हैं कि तालीम ने या मॉडर्निज्म ने औरत को कुछ नहीं दिया बल्कि उसी तरह एक शय बना के रखा, बल्कि आजकल के दौर में हम कहें कि औरत को एक खिलौना बना दिया है तो बेजाना होगा। तो नतीजा यही निकला कि औरत जहाँ जहाँ इस्लाम की तालीम से दूर हुई या मुआशरा जहाँ जहाँ इस्लाम की तालीम से दूर हुआ वहाँ पर औरत पे ज़ुल्म व सितम हुआ। अब वो दौरे जाहिलियत हो या जदीद जाहिलियत, दोनों का हदफ टारगेट जो है वो औरत की कमज़ोर ज़ात रही है और मज़बूत ताकतवर सिन्फ यानी मर्दों के सिन्फ उस पर हावी रही है। तो आज का मौजू इसी हवाले से तरतीब दिया है और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैह कि अय्याम फ़ातिमिया भी इंशाअल्लाह करीब हैं, उनकी आमद है। तो इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू बीबी की ज़ात मुक़द्दसा के हवाले से और ख़वातीन के मसाइल के हवाले से आपके सामने पेश की जाएगी या आप इंशाअल्लाह दूसरों के सामने पेश करेंगे। तो आज का मौजू इस हवाले से आपके सामने रखा गया है और वो है बीबी सैयदा और जदीद औरत, यानी जदीद औरत जिन मसाइल से जो दो चार है उसके लिए बीबी सैयदा बतौर राहनुमा बतौर नमूने ज़िंदगी किस तरह उनके मसाइल का हल पेश करती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आजकल की औरत के मसाइल को आपके सामने पेश करें, ज़रूरी है कि औरत की तख्लीक का मकसद समझ लिया जाए। अगर औरत के पैदा होने या खलक करने का फ़लसफ़ा समझ में आ जाए तो फिर औरत से मुतालिक मसाइल भी समझ में आ जाएंगे। यानी अगर आपने औरत का सबब तख्लीक समझ लिया तो समझ जाइए कि जो जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं इस ज़मीन में औरत से मुतालिक वो उस सबब उस कॉज को भूल जाने की वजह से हैं कि जिसके लिए, जैसे हम मोबाइल बनाते हैं, जो मकसद है मोबाइल बनाने का अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो यही मोबाइल यही कंप्यूटर यही साइंसी ईजाद आपके लिए तबाहकुन साबित होगी। तो अगर औरत ने अपना फरीज़ा अपना वजीफ़ा अंजाम ना दिया जिसके लिए उसको पैदा किया गया था तो वो यकीनन राह हक से हट जाएगी और उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो इसके लिए मुख्तलिफ दलाइल इस ज़मीन में दिए जा सकते हैं, यानी फ़लसफ़े तख्लीक़ ज़न औरत के तख्लीक का सबब या वजह क्या है। सबसे पहले इलाही दलील, यानी दीन क्या कहता है कि औरत की तख्लीक क्यों की गई। सूरह रूम आयत नंबर 21, सूरह रूम कुरान का 30वां सूरह है, चैप्टर 30 वर्स नंबर 31, अल्लाह ताला वजह तख्लीक जन के मुतालिक फरमाता है वमिन आयात ही, और हमारी और उसकी आयतों में से एक आयत एक निशानी ये है वमिन आयात ही अन खलका लकुम माफ़ी अनफुसिकुम, कि उसने तुम्ही में से तुम्हारे लिए पैदा की अजवाजल लितस्कुनू इलैहा,
अजवाज को कि जो तुम्हारे लिए तस्कीन का बाइस बने। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम दोनों के दरमियान, तुम लोगों के दरमियान मवद्दत और रहमत को करार दिया। यानी एक तो तस्कीन के लिए पैदा किया, नंबर दो उसने मियाँ बीवी में, मर्द व जन में एक मोहब्बत का, अख़ुवत का रिश्ता कायम किया, ताकि वो हमेशा के लिए एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत समझे। अब यहाँ पे तस्कीन का मतलब मादी दुनिया में उलझे हुए लोग, मादियत परस्ती में मुब्तला लोग जिस्मानी तस्कीन समझ लेते हैं, हालांकि औरत इससे कहीं बढ़कर मकसद के लिए पैदा की गई है जिसमें ज़हनी और रूहानी तस्कीन शामिल है। जिस्मानी तस्कीन उसका एक, जिसे कह लीजिए ततिम्मा है या उसका हिस्सा है। इसीलिए हम देखते हैं कि अंबिया, आइम्मा, औलिया की कामयाबी के पीछे कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ हुआ करता है। और अगर हम इब्तिदा करें ख़ुद अपने हादी रहमतुल्लिल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा, रसूल अल्लाह की, कि जब वो गारे हिरा से वापस आते हैं पहली वही इक़रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी सुनकर, तो घर में आगे बीबी खदीजा से वो तमाम रुदास सुनाते हैं, चेहरे पे इस्तराब के असरात होते हैं। ये नहीं कि उनको पहली मरतबा पता चला कि मैं रसूल हूँ, बल्कि इसलिए कि अब उस अहम काम का मकसद, उस काम का वक्त आ गया है कि जिसके लिए मुझे तख्लीक़ किया गया, बल्कि कायनात को तख्लीक़ किया गया। तो इस अहम ज़िम्मेदारी को मैं किस तरह निभाऊंगा, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और ये कोई अचंभा नहीं, हमारे चौथे इमाम के बारे में मिलता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जब वो वज़ू करके मुसल्ले पे खड़े होते तो उनका चेहरा जर्द हो जाता और खौफ से कांपने लगते, लोग पूछते कि आपको क्या हो गया, तो आप फरमाते कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस शख्सियत के सामने खड़े होने जा रहा हूँ। हालांकि इमाम थे, मासूम थे, इसी तरह रसूलुल्लाह के लिए भी कि अब वो अहम तरीन फरीज़े को निभाने का वक्त आ गया है जिसके लिए मुझे तख्लीक किया गया। तो जब अपनी ज़ौजा को ये बात बतलाते हैं तो वो कहती हैं कि आप क्यों फ़िक्रमंद हैं, अल्लाह ताला कभी आपको मायूस नहीं करेगा, आपने तो हमेशा मज़लूमों की दादरसी की है, आपने हमेशा लोगों की मदद की है। तो आप देख लीजिए, रसूल की तस्कीन का बाइस कौन है? कोई दूसरा रसूल नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई और मर्द शख्सियत नहीं, बल्कि कमज़ोर औरत। मतलब वो औरत जो कमज़ोर करार दी जाती है वो एक मर्द को ताकतवर बना रही है, बल्कि दुनिया के कायनात के सबसे ताकतवर शख्स को अगर ताकत की ज़रूरत होती है तो वो अली से पहले औरत यानी अपनी ज़ौजा से कहता है कि मुझे ताकत फ़राहम करो, मुझे सुकून दो, मुझे तसल्ली दो। और यही वजह है कि जब रसूल अल्लाह बीबी खदीजा के इंतकाल के बाद जब कभी आपको याद करते और उनकी अजवाज थोड़ा सा हसद के मारे उनसे ये कहती हैं कि आप उसको क्यों याद करते हैं, वो तो गुज़र गई, तो आप, बल्कि ये भी कहा जाता कि अल्लाह ताला ने आपको नौजवान अजवाज से मुस्तफीद फरमाया, उस ज़ईफ़ा को क्यों याद करते हैं, तो आप यही कहा करते थे कि खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब लोग मेरा साथ छोड़ गए, उसने उस वक्त मुझे तसल्ली दी जब लोग जो मेरे दुश्मन बने हुए थे। तो दौलत खदीजा तो अपनी जगह सही, लेकिन असल दौलत दौलत तस्कीन, दौलत हौसला अफजाई थी जो रसूल अल्लाह की पुश्त पनाही का सबब बनी। और ये पहली वही, पहला इस्तराब, पहला जिसे कहते हैं कि खौफ कि मैं इस काम को किस तरह अंजाम दूंगा, खौफ इस मायने में एक भारी ज़िम्मेदारी अदा करने का वक्त आ गया है। तो ये है वो असल तस्कीन। और आजकल के दौर में भी आप देख लीजिए, मर्द हज़रात जब घर आदमी आते हैं अपने ऑफिस के बड़े बड़े मसले को अपनी कमज़ोर ज़ौजा से डिस्कस करते हैं, हालांकि वो औरत कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि तसल्ली और तस्कीन दे सके, और उसी तसल्ली उसी हौसला अफजाई के सबब जो है वो दोबारा ज़िंदगी को गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद रसूल फरमाते हैं, यानी बतला दिया गया कि औरत का साथ तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए है, फ़कत तस्कीन के लिए या वक्ती आर्जी लज्जत के लिए नहीं है। इसीलिए औरत को शरीक हयात कहा गया कि वो तुम्हारी शरीक हयात है, जो कि बीवी से भी और ज़ौजा से भी बढ़कर एक लफ्ज़ है, यानी तुम्हारी ज़िंदगी के हर शोबे में तुम्हारी पार्टनर, हर हर मसले में
चाहे वो खुशी का वक्त हो चाहे वो गम का वक्त हो, वो तुम्हारे साथ रहेगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन निकाह सुन्नती फमन रगब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, बस जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे यानी रूगर्दानी करे वो मुझ में से नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब तीन ख़वातीन रसूल के पास आती हैं, वो अपने शौहरों की शिकायत करती हैं कि एक ने कह दिया है कि वो घर नहीं आएगा, एक ने कह दिया है कि वो गोश्त नहीं खाएगा, एक ने कह दिया है वो खुशबू नहीं इस्तेमाल करेगा, यानी तजर्रुद की ज़िंदगी यानी तन्हाई की ज़िंदगी और दुनिया को छोड़ने और औरत से किनारा कशी इख्तियार करने का अहद, तो रसूलुल्लाह गुस्से में मिंबर पे जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने इस तरह की कसम खा ली है, तो सुन लो कि मैं ये काम नहीं करता, मैं औरतों के पास भी जाता हूँ, मैं खुशबू भी लगाता हूँ, मैं लजीज खाने भी खाता हूँ और मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो ये तजर्रुद की ज़िंदगी जिसको लोगों ने अपना हदफ बना लिया है, वो सुन लें कि वो मुझ में से नहीं है। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इस दुनिया में लोगों के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारे। तो ये देखा जाए तो उस रहबानियत की तरदीद है, तकजीब है और जवाब है कि जो ख़ुद ईसाई मज़हब ने लोगों के सामने पेश किया कि भाई अगर औरत मसाइल पैदा कर रही है तो औरत से अलग हो जाओ, यानी रहबानियत इख्तियार कर लो और अलग ज़िंदगी गुजार के तुम खुदा की सच्ची मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकते हो। हालांकि औरत की तख्लीक़ या यूँ समझ लीजिए मखलूक़ात को ज़ौज में पैदा करने का सबब ये था कि अल्लाह की सिफ़ात एक मखलूक में नहीं समा सकती। सूरह निसा आयत नंबर 1 अल्लाह ताला फरमाता है वख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और उसने तुम्ही में से तुम्हारी ज़ौज को पैदा किया। देखिए आपने बचपन से सुन रखा होगा कि अल्लाह ताला की दो किस्म की सिफ़ात हैं, सिफ़ात सबूतिया सिफ़ात सलबिया। सबूतिया यानी अच्छी सिफ़ात जो उसमें मौजूद हैं, सलबिया यानी बुरी सिफ़ात जो उसमें मौजूद नहीं। और यकीनन दुनिया की हर अच्छी सिफत हर अच्छी खूबी खुदा में मौजूद है और हर बुराई से वो मुबर्रा और मुस्तशना है आ रही है। अब जो खसूसियात हैं खूबियाँ हैं उनको भी दो किस्म की खूबियों में खसूसियात में तकसीम कर दिया गया है, एक सिफ़ात जलालिया और एक सिफ़ात जमालिया। जलालिया का ताल्लुक गज़ब से है, तसल्लुत से है, हुक्मरानी से है, सज़ा से है, गुस्से से है, जहन्नम की आग में जलाने से है। और जमाली सिफ़ात का ताल्लुक मोहब्बत से, हमदर्दी से है, रहम से है और जन्नत की नेमात को अता करने से है। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो किसी मखलूक में ये काबिलियत अहलियत नहीं थी कि वो खुदा की दोनों सिफात यानी जमाली और जलाली सिफात को अपने अंदर समो सके। तो अल्लाह ताला ने अपनी जलाली सिफात को मुज़क्कर में करार दिया और अपनी जमाली सिफात को मुअन्नस में करार दिया। इंसान से लेकर हैवान, हैवान से लेकर नबतात, आपने मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस की तकसीम सुनी होगी। बस ये तकसीम इसी सबब की वजह से है कि अल्लाह ताला की तमाम सिफात एक मखलूक अपने अंदर नहीं समो सकती। चुनांचे अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा किया और औरत को पैदा किया। अब ये जान लीजिए एक मर्द चाहे वो इन जलाली सिफात का मुकम्मल तौर पर मालिक हो, यानी किसी मखलूक में जलाली सिफात मुकम्मल तौर पर आ भी जाए तो भी खुदा के जमाल को तो वो अपने अंदर नहीं समो सकता। एक मुज़क्कर, एक मर्द की मैं बात कर रहा हूँ। चुनांचा वो औरत की तलाश करता है तो औरत से अज़दवाज के बग़ैर एक मर्द कभी भी तकमील की मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। औरत को ले लीजिए, अगर वो जमाली सिफात की हामिल हो और मुकम्मल तौर पे जमालियात का जिसे कहते हैं मुरक्का हो, मेराज पर हो, फिर भी मर्द के बग़ैर वो अपने आप को अधूरा समझती है। अब यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि मर्द औरत के बग़ैर अधूरा है, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, कितनी ही जलाली सिफात का मालिक क्यों ना हो। इसी तरह औरत मर्द के बग़ैर अधूरी है चाहे उसके अंदर कितनी ही जमाली सिफात मौजूद क्यों ना हो। चुनाचा ईसाइयों में जो नज़रिया था कि अगर आपको अपने कमाल पर, अपनी मेराज पर पहुँचना है तो औरत से दूर होना होगा,
मर्द के लिए, और इसी तरह औरत को अपने कमाल पर पहुंचना है, मेराज पर पहुंचना है, खुदा से करीब होना है, तो उसको मर्द से इसे दूर होना पड़ेगा। हालांकि मर्द और जन दोनों अज़दवाज किए बग़ैर साथ रहे, बग़ैर शरीक हयात बने, बग़ैर अल्लाह ताला के क़ुर्ब को नहीं पा सकते। इसके बाद मिसाल ले लीजिए, अब ज़ाहिर सी बात है, एक आपकी अक्ली दलील, एक आपकी इलाही दलील, तीसरी दलील हिस्सी दलील। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद अली। आजकल की साइंस भी इस बात की तस्दीक करती हुई नज़र आती है कि इंसान के ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो प्रिमिटिव ब्रेन जिसे कहते हैं, जो हैवान में भी पाया जाता है, और ये लिम्बिक सिस्टम इंसान की दो जिबिलतों यानी अज़दवाज और ताम ग़िज़ा की तलाश में रहता है। ग़िज़ा इंसान को ज़िंदा रखती है और अज़दवाज इंसान की नस्ल को ज़िंदा रखती है, यानी दोनों इंसान की बका और इंसान की नस्ल की बका के लिए ज़रूरी है। इसमें हैवान भी आ जाते हैं और दीगर मखलूक़ात भी आ जाती हैं। चुनाचा इंसान जब शऊर की मंजिल पर पहुँचता है तो इंसान के लिम्बिक सिस्टम से दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज़ होते हैं। ये दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और डोपामिन उसको मजबूर करते हैं कि वो अपनी साथी, अपनी शरीक हयात, अपने साथी, अपने शरीक हयात की तलाश करें और अपने आप को मुकम्मल करें। ये एक सांसी दलील हो गई। तो तीनों दलाइल यानी इलाही दलील कुरान और सुन्नत से आपके सामने पेश की गई, उसके बाद अक्ली दलील और आखिर में साइंसी दलील इस बात पे दलालत करती हैं कि औरत और मर्द एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। अब इसकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब वो जन्नत में रखे गए तो कुछ दिनों बाद ही जन्नत से, समझ लीजिए, यूँ कह लीजिए कि बोर हो गए और कहा कि मुझे साथी चाहिए। अब होना तो यही चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम को उन्हीं जैसा एक नबी दे दिया जाता, आने वाला नबी मसलन शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम में से कोई दे दिया था, भैया आपका साथी है, आपका मिशन इनका मिशन एक जैसा है, आपका अंदाज़ सोच का आपका जो है हदफ एक ही जैसा है, तो आप दोनों अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक औरत को उनका साथी बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा की जन्नत अधूरी है औरत के बगैर। बल्कि हम तो इससे बढ़कर एक जुमला कह सकते हैं और उसको साबित भी कर सकते हैं कि अल्लामा इक़बाल ने जो कहा था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ये तो बहुत छोटी बात की और बहुत अदना दर्जा दिया औरत का। हम ये समझते हैं कि अगर औरत ना होती तो कायनात ना होती, ये बहुत बड़ा दावा है। इसको साबित इंशाल्लाह हम करेंगे दर्स के इख्तिताम पर कि ऐसा क्यों कर है कि अगर औरत ना होती, ये नहीं कह रहे हम कि औरत ना होती तो कायनात में रंग ना होता, नहीं, हम ये कह रहे हैं बहोश हवास कह रहे हैं कि औरत ना होती तो कायनात ना होती। कैसे नहीं होती, इंशाल्लाह का तस्कर आगे आएगा। तो मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की हमारे सामने है, जो तमाम अदियान आलम, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाइत हो, चाहे वो यहूदियत हो, तमाम इस बात की तस्दीक करते हुए नज़र आते हैं कि आदम कि जन्नत की तकमील औरत के साथ हुई, उसके बगैर मुमकिन न थी। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो ईसाई जो हम हमारे सामने ये दलील रखते हैं कि भाई हमारे जो पोप हैं, हमारे जो पादरी हैं, हमारे जो नंस हैं, वो भी जो है तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारते हैं औरत के बग़ैर, और इंसान कमाल की मंजिल को औरत के बग़ैर नहीं पहुंच सकता, या औरत मर्द के। तो पोप जॉन पॉल दोयम के बारे में कहा जाता है कि बीबीसी की वेबसाइट पे ये न्यूज़ मौजूद है कि उनका स्कैंडल पकड़ा गया था, एक पॉलिश खातून एना ट्रेसी के इश्किया खतूत बाकायदा बीबीसी की वेबसाइट ने डिस्क्लोज़ किए थे कि ये हमारे पोप जॉन पॉल दोयम हैं कि जो किसी के इश्क में मुलविस पाए गए हैं। तो यहाँ भी उनकी रहबानियत का भांडा फूट गया कि जिनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा ज़ाम था कि हमारे कम से कम पोप और हमारी नंस जो है वो इससे मावरा हैं, वो तजर्रुद की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर ऐसा होता, तजर्रुद की ज़िंदगी जायज़ होती, तो अल्लाह ताला सूरह हदीद की आयत नंबर 27 में इसको रद्द ना करता। सूरह हदीद कुरान का 57वां सूरा है, चैप्टर 57 वर्स नंबर 27। वरहबानियत तब तदाऊहा, और रहबानियत तो उन्होंने खुद इजाद की थी, मा कतबनाहा अलैहिम, और हमने इसको उन पर वाजिब नहीं किया था, इल्लब्तगा
रिदवानिल्लाह है, इन्होंने इसको फ़कत इसलिए अख्तियार किया कि वो अल्लाह की मर्ज़ी चाहते थे, फ़मा रआहा, और उन्होंने इसकी रियायत नहीं की, हक़्क़ा रियायतिहा, कि जिस तरह रियायत की जानी चाहिए। आपको मालूम होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया उनके अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, तो जिस तरह हमारे यहाँ इमाम हुसैन मज़लूम की शहादत के बाद तवाबीन एक ग्रोह वजूद में आया था जिसने कहा था कि हम बहुत शर्मिंदा हैं और इमाम कत्ल हो गया, हम उनको बचा ना सके, चुनाचा वो कफ़न पहन के इमाम हुसैन के ज़रिए पे गए, कब्र पे गए, माफ़ी मांगी और फिर जिहाद किया और अपनी जानों को लुटाया। इसी तरह ईसाइयों में एक ग्रोह पैदा हुआ तो उसने कहा कि हमें जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए और तलाफ़ी करनी चाहिए कि हमारी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब हो गए। चुनाचा उन लोगों में से कुछ लोगों ने ये दावा किया, अहद किया कि अब हम तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारेंगे, अब जो है हम माशरे से कट के ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे कि ताकि अल्लाह ताला हमारी मगफ़रत कर सके। तो कुछ लोग जंगल में निकल गए, कुछ लोग जो है वो सहरा में निकल गए, कुछ लोग जो है वो पहाड़ों पर चले गए, कुछ लोगों ने अपने आप को दरख्त से बांध लिया, किसी ने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया, किसी ने अपने आप को दरख्त पर सूली दे दी, यानी कीलों से अपने आप को हाथ पैरों को जो है गाड़ दिया ईसा अलैहिस्सलाम की तरह, यानी वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला रखना शुरू कर दिया कि अब हम जो है वो चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क़ुरबानी दें और अपनी उनकी जो तकलीफ़ थी उसके लिए अजाला बन सके। तो अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि ऐसा ना करो, तुम इसको सह नहीं सकते। और फिर हुआ भी ये कि जब काफ़ी अर्सा गुजर गया और जो लोग तनहा ज़िंदगी गुजार रहे थे ना, सिर्फ औरत, उन्होंने आबादी को भी छोड़ दिया, अपने जैसे लोगों को भी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, जैसे कि आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान जो है वो एक माशरती जानवर है, वो ग्रुप और ग्रोह की शक्ल में रहना पसंद करता है। चुनांचे जब वो अकेले रहने लगे तो उनके अंदर नफ्सियाती इमराज पैदा होना शुरू हो गए और फिर ईसाइत का मजाक उड़ाया जाने लगा। चुनांचा लोगों ने फैसला किया कि हम कम अज़ कम अगर आबादी में ना रहें और अज़दवाज ना करें तो कम अज़ कम एक साथ रहें, जैसे एतकाफ़ में बहुत सारे लोग मस्जिद में एक साथ रहते हैं। तो उन्होंने खानकाहें बनाना शुरू कर दी और लोगों को कहा कि कम अज़ कम हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए तसल्ली तशफ़ी का ज़रिया बन सकते हैं और हम एक दूसरे को दिलासा दे सकते हैं, बुरे वक्त में काम आ सकते हैं। तो उसमें भी वो ये किया करते थे कि जब अपनी इबादत किया करते थे तो वो कोशिश किया करते थे कि वो दाएं बाएं भी ना देखें, सिर्फ अपनी इबादत में मशगूल रहें। तो आपने आजकल वैसे भी सर्दियों के मौसम में हुड वाली जैकेट या हुड वाला स्वेटर देखा होगा कि जो आप जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आप हुड को या टोपी को अपने ऊपर डाल लेते हैं। तो ये हुड या टोपी जो है वो वहीं से वजूद में आई है कि वो टोपी को अपने ऊपर डाल लिया करते थे, बिल्कुल आगे देखा करते थे, दाएं बाएं देखने से उनके नज़दीक उनकी इबादत में खलल पड़ता था। अभी इंडिया में एक एग्ज़ाम हुआ है तो बच्चों को नकल से बचाने के लिए गत्ते उन्होंने लगा दिए दाएं बाएं कि बच्चे जो हैं वो दाएं बाएं भी ना देख सकें, आगे देखें। जो घोड़ों की दौड़ होती है उसमें भी घोड़ों के दाएं बाएं जो है वो इस किस्म के पार्टीशन लगा दिए जाते हैं। बहरहाल तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया जिसके लिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि अब वक्त नहीं है हम ईसाइयों की तरह खानकाहों में बैठे हैं, वक्त आ गया है कि हम मैदान में जाके जालिम को ललकारें। अल्फाज व माने में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। और जब भी हम देखते हैं कि इमाम हुसैन ने रेगुलर मौज़िन को हटाकर जनाब अली अकबर को मौज़िन बनाया था, तो ये वो रहबानियत थी जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश की और आज भी वो इसका चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में रद्द कर दिया कि इस किस्म की अगर रहबानियत है इस्लाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि नमाज के लिए इंसान इंतज़ार करे, नमाज के लिए इंतज़ार रहबानियत है, हज रहबानियत है, एतकाफ़ रहबानियत है, बस इतनी रहबानियत इस्लाम में जायज़ है, इससे ज़्यादा रहबानियत जायज़ नहीं है। तो अच्छा, वो इस ज़मीन में ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं कि भाई आपके रसूल ने शादियां की हों लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी नहीं की, तो हमारे लिए यानी मर्दों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम रोल मॉडल हैं और मरियम अलैहिस्सलाम ने भी इत्तेफाकन शादी नहीं की, तो हमारी औरतों के लिए मरियम अलैहिस्सलाम जो है रोल मॉडल हैं। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला को एक मौजज़ा दिखाना था कि देखो मैं जो हूँ बाप के बग़ैर औलाद पैदा कर सकता हूँ। नंबर दो, ईसा अलैहिस्सलाम
33 साल की उम्र में उठा लिए गए, उनके मुताबिक मर गए, हमारे मसलूब हो गए, हमारे नज़दीक उठा लिए गए। तीसरी बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी ज़िंदगी मुसलसल सफ़र में रहे हैं, चनाचा उनको शादी का वक्त ही नहीं मिला। तो 33 साल कोई ऐसी बड़ी उम्र नहीं है, या आप कह सकते हैं यंगस्ट कम उम्र तरीन पैगंबर जो हिस्ट्री में उसमें गुजरे हैं। नंबर चार, नबी का फेल हुज्जत नहीं होता, नबी का कौल हुज्जत होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे अमल होते हैं जो नबी करता है लेकिन हमारे लिए वो वाजिब नहीं होती। रसूलुल्लाह नमाज शब उनके लिए वाजिब थी, हमारे लिए नमाज शब वाजिब नहीं है। हम उनके लिए दुरूद पढ़ते हैं लेकिन वो दुरूद नहीं पढ़ते। वो चार से ज़्यादा अज़वाज रखने के लिए इस्तेहकाक रखते थे, हम नहीं रखते। तो नबी का कौल, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दौरे हयात में कभी ये कहा कि औरतों से दूर रहो? क्या मरियम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा कि मर्दों से दूर रहो, अज़वाज ना करो? अगर ऐसा होगा तो नस्ल इंसानी आगे क्यों बढ़ेगी? फिर हम देखते हैं कि मगरिब के माशरे में इस नज़रिए ने उल्टा असर किया, बजाय इसके कि लोग खुदा तक पहुँचने के लिए शरीक हयात से किनारा कशी अख्तियार कर लेते, तजरद की ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने इसका रद्द अमल जो है वो उसका इजहार करना शुरू कर दिया कि हम जो है इसके बगैर नहीं रह सकते। और जब ईसाइयों ने बहुत वो कहा कि भाई शादी अगर आप करेंगे तो आप अल्लाह ताला से क़ुर्ब नहीं हासिल कर सकते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम शादी के बगैर ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। अब तो पाकिस्तानी ड्रामों में बाकायदा मैसेज दिया जाता है कि अगर शादी होगी तो फिर तलाक होगी, तो बेहतर है कि तलाक ही ना हो। तो ये था वो रिएक्शन जो सोसाइटी में नमूदार हुआ तजर्रुद की ज़िंदगी की प्रोपगेशन और जबर के नतीजे में, कि ईसाई कह रहे हैं कि शादी ना करो और आवाम कह रहे हैं कि ठीक है हम वाकई शादी नहीं करेंगे, हम वैसी ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो जो वहाँ बेरा रबी और फहाशी और यानी का जो सैलाब है, जो औरत की एक्सप्लाइटेशन का एक समंदर और तूफ़ान है, वो अब पूरी दुनिया का रुख करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि औरत की तख्लीक का मकसद तस्कीन, और तस्कीन में ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी सब शामिल है। और ये वो तस्कीन है, ये वो हौसला अफजाई है, वो ये वो तसल्ली है, ये वो पुश्त बनाई है जिसकी ज़रूरत अम्बिया को, आइमा और अलिया को दी रही है। औरत की तस्कीन का मकसद और फ़लसफ़ा तख्लीक जन समझने के बाद आइए हम चलते हैं इस दौर में जो मसाइल ख़वातीन के मौजूद हैं, जिनसे वो दो चार हैं, उनका हल इस्लाम क्या पेश करता है, और ख़ुद बीबी सैयदा की ज़ात हमारे लिए इस ज़मीन में किस तरह है। देखिए अभी कुछ अर्से पहले आपने, बल्कि अभी भी ये मुहिम जारी है, #MeToo एक मुहिम चली थी जो अभी भी चल रही है। 2006 में इस मुहिम को जो है वो चलाया गया ट्रेना बर्की नामी सियाफाम अमरीकी औरत ने, लेकिन जो टेम्पो इसने पकड़ा वो 2012 में, और ये मुहिम जो है अपने उरूज पे थी, उसको काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए गए। अमेरिका और यूरोप में बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी जो है वो जुल्म की दास्तानें भी सुनाई और कई लोगों को कैफर किरदार पर पहुँचाने की कोशिश भी की। फिर ये मुहिम जो है वो इंडिया में आई, फिर पाकिस्तान में कोशिश की गई कि इस मुहिम को फैलाया जाए लेकिन नाकाम हो गई। मिडिल ईस्ट और ईरान, इराक में तो बिल्कुल भी ना चल सकी। तो कहने का मकसद ये, वो ये मुहिम वहाँ कामयाब हुई जहाँ पर इस्लाम कम है या नापैद है, और यहाँ से ये भी बात भी साबित हो गई कि औरत पर जुल्म वहीं पर हो रहा है ज़्यादा जहाँ पर इस्लाम की तालीमात कम है। हम यही कहेंगे कि औरत पर जुल्म का ताल्लुक मशरक या मगरब से नहीं है, बल्कि औरत पे जुल्म का ताल्लुक इस्लाम की तालीमात से दूरी है। चाहे वो अमेरिका, यूरोप में हो, चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया में हो, जो भी माशरा इस्लाम की तालीमात से दूर होगा उस माशरे में औरत पे जुल्म होगा। पहले जाहिलियत की मुख्तलिफ किस्म की रस्में थी, अब जो है औरत को बहरा फुसला कर जो है उसको एक खिलौना, एक शय की शक्ल दे दी जाती है। इस ज़मन में एक दिलचस्प मैं एक तस्करा करना चाहूँगा हॉलाबैक नामी तंजीम का। न्यूयॉर्क में एक औरत अंधेरे में किसी जगह से गुजरती है और काफ़ी दूर उसको पैदल चलना पड़ता है, तो काफ़ी लोग उसको रास्ते में छेड़ते हैं।
वो घर आके जब बतलाती है तो लोग जो है उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं भाई इस किस्म की बात या इस नौइयत का केस हमारे पास तो कभी नहीं आया, तो हम किस किस्म का मुकदमा, क्योंकि वो तो बहरा रवी में आवारगी में बहुत आगे हैं, तो ये बहुत छोटी बात थी उनके लिए। उन्होंने कहा चलें ठीक है, अगर आप सबूत ला दें तो हम केस चला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ से वो लड़की गुजरती थी रोज़ाना, यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कैमरे लगा दिए और उसकी वीडियो बना ली, फिर पुलिस स्टेशन ला के दिखाई गई। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इन पर केस करेंगे, उन लोगों को पकड़ा गया और थोड़ी सी सज़ा सुनाकर जो है वो छोड़ दिया गया। फिर जो बाकी औरतें थीं उनको भी अवेयरनेस हुई, अमेरिका के दूसरे शहरों में भी इस किस्म के कैमरे लगाए गए और ये हॉलाबैक नामी तंजीम बाकायदा वजूद में आई जिसने कैमरे लगा के ऐसे लोगों को एक्सपोज किया। फिर ये हॉलाबैक नामी तंजीम अमेरिका से निकल के यूरोप गई और इस वक्त हॉलाबैक नामी तंजीम के 26 से ज़्यादा दफातर मौजूद हैं। तो यहाँ भी ये बात साबित हो गई, औरत से ज़्यादती का मामला हो या हॉलाबैक तंजीम की स्ट्रीट हरासमेंट का, कि मगरबी माशरे में जहाँ औरत को आज़ाद तसव्वुर किया जाता है वहाँ औरत से मुतालिक जराइम ज़्यादा हैं और औरत पर ज़ुल्म ज़्यादा हो रहा है बनिस्बत मशरक़ी या इस्लामी माशरे में जहाँ पर इस्लामी तालीमात पर अमल किया जा रहा है। अब इस मसले का हल क्या है, इस्लाम इस स्ट्रीट हरासमेंट या औरत में ज़्यादती का सिर्फ एक सिंगल एजेंडा पेश करता है और वह है हिजाब। ये हो ही नहीं सकता कि एक औरत बा हिजाब मुहज्जिबा किसी जगह से किसी रास्ते से गुजरे और उसको छेड़ा जाए। हाँ, औरत अगर इस ड्रेस में होगी, इस अंदाज से वहाँ पे रहेगी बैठेगी या गुजरेगी, तो जिससे लोग खुद टेम्प्ट हों, यानी दावत गुनाह खुद औरत देगी तो लोग जो है मुतवज्जो होंगे, लेकिन औरत बाहिजाब है तो लोग उसकी चाल ढाल और उसके हिजाब उसके लिबास से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह शरीफ घराने की, यानी एक गुंडा बदमाश भी ऐसी मुहज्जिबा मुकद्दस औरत के सामने शरीफ बन जाता है। और अगर औरत का लिबास मुनासिब नहीं होगा तो एक शरीफ भी आँखें उठाने पर मजबूर कर देता है। रहबर मौज़म के पास एक लड़की आई और उसने कहा कि इस्लाम में औरत के लिए तो बहुत मजबूरी है, पाबंदी है कि वो हिजाब करे और मर्द को कहा गया है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम कभी लोहे की दुकान पर गई हो? उसने कहा कि लोहा कहाँ रखा हुआ होता है? कहने लोहा रखा हुआ थोड़ी होता है, वो तो पड़ा हुआ होता है मट्टी पे, टेबल पे या ज़मीन पर। उन्होंने कहा अच्छा तुम सुनार की दुकान पर गई हो? कहने हाँ। तो सोना कहाँ पड़ा हुआ होता है? उन्होंने कहा सोना पड़ा हुआ थोड़ी होता, सोना तो एहतियात से रखा हुआ होता है, बॉक्स में होता है, फिर शीशे के जो है शोकेस में होता है, कभी लॉक में होता है। तो रहबर नेयातुल्लाह खामेनेई ने उसको समझाया कि देखो औरत इसी तरह सोने की तरह कीमती है, इस तरह उसको छुपा के रखा जाता है, और मर्द इतना कीमती नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह समंदर की सतह पर घास फूस तो हमें सतह पे नज़र आती है, लेकिन हम मोती तलाश करें तो वो आपको सतह पे नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो समंदर की गहराई में सीप के अंदर नज़र आएंगे। तो औरत क्यों इस बात पे तुली हुई है कि वो मर्द की तरह एक बकब्बे वक़्त लोहा या घास फूस बन जाए और लोग उसको देखें? वो एक मोती है, अल्लाह ताला ने उसको छुपा के रखा हुआ है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखें बीबी सैयदा खुद इस हिजाब के मसले पे किस तरह अपने आप को बतौर रोल मॉडल पेश करती हैं। रसूल साहब के दरमियान बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि ये बताओ कि बेहतरीन औरत कौन है? लोग जवाब नहीं दे पाते, सलमान फारसी पीछे जाते हैं और पूछते हैं बीबी सैयदा के हुजरे के पीछे से, तो बीबी फरमाती हैं बेहतरीन औरत वो हैं जो किसी को ना देखे और जिसको कोई ना देखे, यानी जिसको कोई ना देखे तो समझ में आता है, जो किसी को ना देखे ये भी, तब कहीं जाके औरत की निस्वानियत की हिजाब की तकमील होगी। और उसको उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि जब रसूल एक नाबीना सहाबी के साथ घर में दाखिल होते हैं तो बीबी अंदर जाने लगती है अंदर के कमरे में, तो रसूल कहते हैं कि तुम अंदर क्यों जा रही हो, ये तो नाबीना है। तो रसूल बीबी जनाब सैयदा फरमाती हैं ये तो नाबीना है लेकिन मैं तो नाबीना नहीं। तो जब बीबी ने यह कहा था कि बेहतरीन औरत वो है जिसको कोई ना देखे और जो किसी को ना देखे, और सलमान फ़ारसी ने रसूलुल्लाह को आगे ये जुमला ये जवाब बतलाया, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि क्यों ना हो फातिमा बिदअतो मिन्नी मन अज़ाह फ़कद अज़ानी, कि वाकई फातिमा जो है मेरा ही तो जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको अजियत पहुँचाई गोया उसने मुझे अजियत पहुँचाई। फिर हम देखते हैं कि जब जनाब सैयदा मुबाहले के मैदान में जाती हैं तो आपके आगे रसूल हिजाब बने हुए हैं,
तो आपके पीछे मौला अली की ज़ात हिजाब बनी हुई है। जहाँ रिसालत के कदम पड़ते हैं वहाँ जनाब फ़ातिमा के कदम पड़ते हैं कि वो रिसालत को बेऐनिही हू बहू कदम ब कदम उसकी इत्तबा कर रही हैं, और आप ये कदम जहाँ पढ़ते थे उसके बाद अली के कदम पढ़ते थे। गोया वो बताना चाह रहे थे कि मैं अपनी बीवी की शनाख्त तो क्या अपनी बीवी के पैरों के निशान की शनाख्त भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये है जनाब सैयदा का हिजाब। जब उनका जो है वक्त शहादत आता है तो वह आसमा बिनत उमैस से कहती हैं कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि ये लोग औरत की मैयत को भी इसी तरह उठाते हैं जिस तरह मर्द की मैयत को। तो आसमा बिनत उमैस ने कहा कि हमारे यहाँ ताबूत में मैयत को उठाया जाता है, तो उनको ये तरीक़ा बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुई और कहा कि मेरी मैयत को भी बस ताबूत में इसी तरह उठाना। तो ये है जनाब सैयदा की ज़ात मुक़द्दसा कि जो ज़िंदगी में भी अपने आप को लोगों से छुपाना चाहती हैं और बाद में भी अपने आप को लोगों से छुपाना चाहती हैं। अगर आजकल की औरत जनाब सैयदा के नक्शे कदम पर चले और इसी तरह का हिजाब करे या करीब करीब तरीन हिजाब करे, जितना उसका हिजाब बीबी सैयदा के हिजाब से करीब होगा उतनी उसकी कदर मंजिलत में इजाफा होगा, उतना ही वो बीबी की कनीज कहलवाने का हक रखेगी। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले में। अब आ जाइए दूसरा मसला जो हमारे माशरे में आम है, जो देखा जाए तो मगरबी ही का दिया हुआ मसला है। एक तो रहबानियत की गूंज जिसने औरत को ये कह के शादी से दूर कर दिया कि तुम शादी से दूर रहोगी तो अल्लाह से करीब होगी। शादी से करीब होने का मतलब मर्द से करीब होने का मतलब दुनिया से करीब होना, दुनिया से करीब होने का मतलब खुदा से दूर होना। और दूसरा ये मगरब का जो नज़रिया इस वक्त बेरा रवि का शिकार ख़वातीन आ गई कि भी शादी की क्या ज़रूरत है, आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें। इटली में बाकायदा सर्वे हुआ तो ख़वातीन ने साफ कह दिया कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के पसंद के कपड़े पहने या किसी की रूटीन को फॉलो करें कि जब वो उठें तो हम उठें, इस हाँ ना हमें कोई शौक है हम बच्चों को पालें। बाकायदा इटली की ख़वातीन ने यह कहा। तो अब भी वही मामला अब पाकिस्तान या इस्लामी माशरे में भी जो इस्लाम से दूर होना चाहते हैं उन्होंने अपना लिया है कि भाई मैं किसी की पसंद नापसंद पे क्यों चलूं। पहले मर्द जो है वो ताखिर से शादी किया करते थे, क्यों कि उनकी कैरियर का मसला है, उनके तालीम का मसला है, और फिर जब वो तालीम मुकम्मल हो जाए तो उनकी जॉब का मसला है, फिर उनके पैरों पर खड़े होने का मसला है, फिर पैसे जमा करने का मसला है, फिर घर गाड़ी शादी के अखराजात, फिर कहीं जाके इंसान की उम्र गुजर जाती है, जिसे कहते हैं जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते और जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते। औरत का मसला भी कुछ ऐसे ही हो गया, दोनों ही इससे दो चार हैं। लतीफ़ा तो खैर औरत के लिए था लेकिन मर्द औरत दोनों पे चश्मा किया जा सकता है। जब लड़की से पूछा गया 20 साल की उम्र में कि तुम्हारा रिश्ता आया, तो वो कहती है कि लड़का कैसा है। फिर 5 साल बाद कहा जाता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तो लड़की कहती है लड़का कितना कमाता है। क्राइटेरिया देखें तब्दील हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। जब 30 साल की उम्र आती है तो कहा जाता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तो लड़की पूछती है कहाँ है। तो अब आप इसको +5 कर दें या -5 कर दें मर्द के लिए औरत के लिए, कि जब जिस चीज़ का वक्त होता है वो चीज़ नहीं की जाती तो उस चीज़ का हुस्न ख़त्म हो जाता है। हदीस रसूल में भी आया है कि औरत एक पके हुए फल की तरह है, जब वो पक जाए तो उसको उतार लो, उसको तोड़ लो, वरना वो दरख्त पे सड़ जाएगी। हमारे माशरे में पहले मर्दों के लिए कहा जाता है कि अभी पढ़ रहा है, अभी जॉब है, अब लड़कियों के लिए कहा जाता है कि लड़की भी पढ़ रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, MBA कर रही है, फिर उसके बाद वो मास्टर्स करेगी, फिर CSS करेगी, फिर PhD करेगी। जब ये सब कर लेगी तो इतना पढ़ा लिखा लड़का उसको नहीं मिलेगा, या इतना कर लेगी तो जितना वो कमाती है उतना कमाने वाला लड़का जो है वो नहीं मिलेगा। और अब तो बाकायदा वालिदैन अपनी लड़कियों को तैयार करते हैं कि बेटा खुदा ना खास्ता लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी डिग्री तो है तुम्हारे पास। पहले घर चलाने के लिए पढ़ाया जाता था लड़की को, अब जो है लड़की को जिसे तैयार किया जाता है मेंटली घर से रुखसत करने से पहले, अगर कुछ हुआ तो घबराना मत, हम तुम्हारे पीछे खड़े। पहले कहा जाता था कि आप घर से रुखसत हो रही हैं, आपकी डोली जा रही है, वापसी में आपका जनाजा निकले, या शौहर के साथ आओगी तो हम दूध का गिलास पेश करेंगे, और शौहर के बगैर आओगी तो हम पानी को भी नहीं पूछेंगे। अब जो है लड़की लड़के आती है तो माँ फ़ौरन पूछती है क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं अभी सबको ठीक करती हूँ, बस तुम अपने शौहर से गर्ज रखो, देवर और सास और ससुर की फिक्र ना करना, तुम्हारी वो जिम्मेदारी नहीं, वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि शादी में ताखीर की वजह ही यही है
कि आप औरत को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो मजबूत घर की मालिका ना बने बल्कि वो मर्द से मुकाबला करे। आप औरत को तालीम दे रहे हैं ताकि आप वो मर्द को पढ़ा सकें। आप औरत को ज़रिया माश ढूंढ कर दे रहे हैं या उसकी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए कि वो मर्द पर डिपेंडेंट ना हो। तो जब वो तमाम काम जो मर्द करता है वो खुद कर लेती है तो कहती है कि मुझे मर्द की क्या ज़रूरत, मैं खुद अपना खा कमा सकती हूँ। तो ये मसाइल हैं शादी में ताखीर के। और जो बीबी की कनीज़ है उसको चाहिए बीबी की ज़ात को देखें। हम बहुत दावा करते हैं कि हम बीबी की कनीज़ हैं, तो मुझे बताइए कि बीबी की शादी किस उम्र में हुई थी? 9 साल की उम्र में। तसव्वुर कर सकते हैं हम 9 साल की उम्र में? लोग पागल कहेंगे, लोग नफ्सियाती मरीज़ कहेंगे, बल्कि बीबी का जो पूरा एज ड्यूरेशन है, उम्र मुबारक है, शहादत 18 साल। 18 साल में इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। आज 18 साल की लड़की नहीं मिलती कि जिसकी शादी हो रही हो। इंटर की भी 18 साल की लड़की होती। मुझे बता दें कौन से वालिदैन हैं जो ये कहेंगे? हाँ, बहुत खाल खाल जिसे कहते हैं। केस हमारे पास आया, हमारे ही मदरसे की लड़की 18 साल भी नहीं बल्कि शायद उसने मैट्रिक किया था, उसका रिश्ता आया, माँ बाप उसको लेकर आए कि भाई ये शादी नहीं कर रही, कह रही है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो हमने उसको कहा कि अब तुम अपने ससुराल में ये शर्त लगा दो कि आप मेरी पढ़ाई नहीं रोकेंगे। तो उसने शर्त लगा दी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या ऐसा मुजायका है, आप जाएं कॉलेज जाएं। उसने कॉलेज गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी तमाम तालीम जो है जहाँ तक उसको मुकम्मल करना चाहिए तो उसने मुकम्मल किया। तो ये कहना कि लड़की डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, CSS कर ले, PhD कर ले, तो फिर वही बात है कि जब वो उम्र गुजार चुकी होगी तो फिर शादी की वो हैसियत और वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो खुदारा अपनी बेटियों को मजबूत करें ताकि वो घर को मजबूत करें, इसलिए नहीं कि वो अपने शौहर पर रोब जमा सके। वो कहते हैं किसी की शादी होने जा रही थी मर्द की, तो उसने कहा अपने दोस्तों से मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं होने वाली बीवी पे रोब जमा सकूं। तो उसने कहा ऐसा करो कमरे में बिल्ली छोड़ दो और जाते ही बिल्ली को मार देना। तो उसने बिल्ली छोड़ दी। कुछ देर के बाद वो डंडा लेके अंदर दाखिल हुआ तो वो ढूंढ रहा है, बिल्ली नहीं मिल रही, वो पलंग के नीचे, सोफे के नीचे। तो बीवी ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? कहना मैं बिल्ली ढूंढ रहा हूँ। तो बीवी ने कहा कि वो मैंने मार दी। तो अब औरत को सिखा के भेजा जाता है कि पहले ही दिन तुम इस तरह का ड्रामा करना है कि इस तरह के मामलात करना है कि लोगों को पता चल जाए कि तुम में कितनी ताकत है। तो जब तालीम आप देंगे, इस तरह की नसीहतें करेंगे तो जाहिर सी बात है घर नहीं चलेंगे। और जिसे कहते हैं ना कि मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो औरत की नाकामी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यानी उसकी माँ का कह लीजिए या उसकी दोस्तों का जो उसको गलत मशवरे देते हैं। तो बीबी जो बीबी की कनीज़ अपने आप को कहलवाती हैं, वो बीबी की एज को मद्देनज़र रखें। कम से कम अगर वो 9 साल में नहीं शादी कर सकती जैसे बीबी ने की है, तो कम से कम 18 साल कि जिस उम्र में बीबी तमाम तबगात, कौन सा तबगा? सैयदत निसाइल आलमीन वाला तबगा कि तमाम आलमीन की औरत। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये उम्र कम है, अभी मेरी करियर है, अभी मेरी पढ़ाई है, तो वो फिर इसका मतलब है नाऊज़ बिल्ला वो बीबी को चैलेंज कर रहा है कि बीबी ने 18 साल में इतना बड़ा जो है वो चैलेंज कैसे कबूल कर लिया। और तमाम औरतों की जो है वो सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार और तमाम जहानों की हर वक्त की। इमाम शीशम से किसी ने पूछा कि जनाब मरियम सैयदत निसाल आलमीन हैं या जनाब सैयदा? तो आपने कहा कि जनाब मरियम अपने दौर की औरतों की सरदार हैं, जबकि हमारी जद्दा तमाम दौर की औरतों के सरदार हैं। तो ऐसा मुमकिन है, अगर आप कोशिश करें, आप बीबी की कनीज़ हैं, तो इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल के अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को उनके मिसाल से या उनके नक्शे कदम पर चलवा सकती हैं। अब आइए दूसरी चीज़ की तरफ, दूसरा इशू, तारीख ताखीर अज़दवाज तो हो गया, तलाक जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब तो नौबत ये आ गई है कि पहले मर्द जो है वो तलाक दिया करते थे, अब औरतें तलाक की डिमांड करने लगी हैं। उसकी सबसे अहम वजह, मौला फरमाते हैं कि इंसान धोखा नहीं देता, इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत धोखा देती हैं। जब आप टीवी ड्रामे देखेंगे तो टीवी ड्रामे में आने वाला हीरो ही चाहिए होगा औरत को, और टीवी ड्रामे में आने वाली हीरोइन ही मर्द को चाहिए होगी। तो बस वो यही रोल या यही आइडियाज़ लेके शादी करते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी टीवी लाइफ,
की तरह हो जाएगी या मेरी आने वाली ज़िंदगी उस तरह की होगी जिस तरह की मैं फिल्मों और ड्रामों में देखता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को एक प्रैक्टिकल आदमी रखिए, प्रैक्टिकल वाइफ, प्रैक्टिकल हस्बैंड, और उस तरह गुजारिए कि जैसे कि आप खुद हैं। यानी जिस तरह आप में खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, उसी तरह आपकी बीवी में खूबियाँ भी होंगी, खामियाँ भी होंगी। अगर आप तवक्को करना छोड़ दें, यानी ख्वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी अपने शौहरों से, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। बीवी के लिए हमें मिसाल मिलती है कि एक दफ़ा वो बीमार पड़ी तो मौला ने उनसे कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो बीबी ने क्या कहा कि मुझे रसूल ने मना किया है कि तुम अली के सामने किसी किस्म की ख्वाहिश का इजहार ना करना, अगर वो पूरा ना कर सके तो उनको शर्मिंदगी होगी। मौलाए कायनात है, वो उनको लिए कोई मसला तो नहीं था, लेकिन फिर भी रसूल जो है वो अपनी बेटी को ये कह के रुख्सत कर रहे हैं कि तुम जो है मौला से कोई ख्वाहिश, किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करना। जब आपकी शादी हो रही होती है तो हम देखते हैं कि मदीने की औरतें बीबी के पास आती हैं, उनको ताने देती हैं कि तुम किस मुफलिस के पल्लू बंधने जा रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होगी। फिर वो रोते हुए रसूलुल्लाह के पास आती, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहती थी, वो जवाब चाहती थी कि इन औरतों को मैं क्या जवाब दूँ, यानी मैं तो गुजारा कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा मसला नहीं, मैं क्या कहूँ इन औरतों को। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि फ़ातिमा, अल्लाह ने इस दुनिया के मर्दों पर नज़र डाली, जो बेहतरीन शख्स था उसको तेरा बाप बनाया, उसके बाद दोबारा निगाह डाली और उसके बाद जो दूसरा बेहतरीन शख्स था उसको तेरा शौहर बनाया। खुदा की कसम, अगर अली ना होते तो तुम्हारा कुफू कयामत तक ना होता। यही औरतें जो जनाब सैयदा को शादी के वक्त ताने दे रही थी कि तुम किसके पल्लू बनने जा रही हो, मुफलिस है बेचारा, गरीब है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखा जाए अली को तो सबसे ज़्यादा अमीर रिच होना चाहिए। क्यों? उस ज़माने में जंगों में बहादुरी के, जिसे कहते हैं मुजाहरे करने पर, अकॉर्डिंग टू द ब्रेवरी, माल गनीमत दिया जाता था। मसलन फ़र्ज़ कर लें किसी ने एक आदमी को कत्ल किया है तो उसको एक किलो सोना, दो को कत्ल किया, अली तो आधी आधी फौज कत्ल कर दिया करते थे। जंग बदर में 35 काफिर मारे गए, 35 अली ने मारे। जंग खंदक में आप देख लीजिए, अमर बिन अब्दुल्लाह को कोई नहीं जा रहा था पिछाड़ने के लिए, बस उसको पिछाड़ने का मतलब है जंग जीत लिया आपने, अली ने पिछाड़ा। मरहब को देख लीजिए, कोई नहीं जा रहा था, जा रहे थे वापस आ जा रहे थे, अली ने पिछाड़ा। कहते हैं कि जंग खैबर के बारे में ये तारीख में जुमला मशहूर है कि मुसलमानों को पेट भर के रोटी जंग खैबर के बाद मिली, और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जंग खैबर में मौला अली को कितना खतीर माल गनीमत मिला होगा। कहते हैं कि रसूलल्लाह ने जाफर तैयार की वापसी पर जो तोहफे तहाइफ नजाशी ने जाफर तैयार को दिए थे वो उन्होंने रसूलल्लाह को दे दिए, तो रसूलल्लाह ने वो तोहफे तवाइफ में से कुछ तोहफे तवाइफ अली को दिए। उसमें एक चादर भी थी जिसमें सोना जो है वो जुड़ा हुआ था, यानी सोने से कशीदाकारी की गई थी, जरी का काम किया गया था। तो कहते हैं कि जब उस सोने को निकाला गया, सोना पहनना तो हराम है, उस सोने को निकाला गया तो उस सोने का वजन 5 किलो निकला। तो अली के लिए माल गनीमत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कहते हैं कि वही औरतें जो बीबी की शादी के वक्त आपको ताना दिया करती थी कि तुम किस मुफलिस के पल्ले बंधने जा रही हो, वही औरतें जनाब सैयदा के पास आईं और कहने लगी कि तुम्हें तो अपने शौहर की सखावत पे बड़ा नाज है कि मेरा शौहर जो है जब माल गनीमत लेकर आता है तो रास्ते ही में तकसीम कर देता है। और ये मौला के साथ हुआ करता था कि जब वो माल गनीमत लेकर आया करते थे तो गरीब, गुरबा, बेवाएँ जो हैं वो लाइन लगा के खड़ी हो जाया करती थी और वो सारा माल रास्ते ही में तकसीम कर दिया करते थे। और कहते हैं कि इत्तेफाक से या जानबूझ के वो ऐसे मोहल्ले से आए जहाँ पर जंगों में शहीद हो जाने वाली औरतों यानी बेवाओं के घर थे, यतीम और बेवाएँ रास्ते में खड़े हो गए। तो कहते हैं कि जब अली खैबर के दिन तशरीफ़ लाए तो जितना इंतज़ार जनाब सैयदा को होना चाहिए था उससे ज़्यादा इंतज़ार था, यानी कभी किसी जंग में मौला का इतना इंतज़ार नहीं किया जितना जंग खैबर वाले दिन इंतज़ार किया। इसलिए नहीं कि वो कुछ लेकर आएंगे, जब वो दाखिल हुए घर में बग़ैर किसी चीज़ के खाली हाथों तो जनाब सैयदा ने सुख का सांस लिया और कहा कि अगर आज अली आप कुछ ले आते तो मदीने की औरतों के सामने में शर्मिंदा हो जाती। मैंने तो आपके साथ
بی بی سیدہ کی ذات ہے، یہ وہ خواہشات کا ترک کرنا ہے، یہ وہ قناعت ہے جس کی وجہ سے ان کا گھر چلا، اور انہوں نے آنے والی نسلوں کو، آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ کس طرح خواہشات کا اظہار نہ کر کے یا ترک تمنا کر کے آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، لیکن کیونکہ درس ذرا تاخیر سے شروع ہوا تو انشاءاللہ اگلے درس میں مزید جو خواتین کے مسائل اس دور میں پائے جاتے ہیں وہ کس طرح اسلام کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور بی بی سیدہ کس طرح ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خواتین کو بی بی سیدہ کی طرح حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ یمن، کشمیر، فلسطین اور شام کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔